नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे दर्शकों, जे के अब तक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। आज हम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घोमनासा में आए हुए हैं, तो आओ जहाँ के शिक्षक और बच्चों के साथ बातचीत करते हैं। ये है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घोमनासा, जो जम्मू से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और उन्हें शिक्षक अच्छे मयार की शिक्षा दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ये देश का भविष्य बन सके। इस स्कूल में एक बहुत बड़ा खेल मैदान है, जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती है। ये एक आदर्श स्कूल है और शिक्षक भी प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छे मयार की शिक्षा दी जाए, ताकि आने वाले समय में ये बच्चे राज्य का और देश का भविष्य बन सकें। मैं सीडी शर्मा, सीनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स, वाइस प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल घोमनासा। आपने ये क्वेश्चन पूछा कि स्कूल की एक्टिविटीज़ क्या है, स्कूल का कैसा माहौल है। देखिए, मुझे यहाँ एक साल हो गया, यहाँ आए हुए। मेरे एक साल के पीरियड में मैंने यही देखा है कि ये बहुत बड़ा पुराना इंस्टीट्यूट है, राइट 1985 से ये अपग्रेड हुआ है, प्लस टू बना हुआ है। और यहाँ का एरिया स्कूल का, ये हमारे पास तकरीबन 20 किलोमीटर एरिया है, बिल्डिंग है बट बहुत डैमेज है। जब भी बारिश होती है तो बच्चे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि खड़े होने की जगह नहीं है, और बाहर से तो दिखाई देती है बिल्डिंग। कई दफ़ा हमने यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह भेजे, तो अभी तक कई दफ़ा उन्होंने फोटोग्राफी भी हमने भेजी है सी ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में, थ्रू डिपार्टमेंट, लेकिन अभी तक कोई भी इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं जब भी कई लोग यहाँ आते हैं, कोई पॉलिटिशियन से लीडर भी, उनसे भी ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम ये बच्चे आपके हैं, स्कूल आपका है, एरिया अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, बट उसकी मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अजस गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल घोमनासा चाहिए तो आओ इतने बच्चे कने गलबात करते। केह नाम तुदा? अभिषेक परिहार। अभिषेक परिहार, यस सर। अभिषेक जी, केड़ी क्लास च पढ़दे हो तुस? 11th। 11th च ते डोगरे हो? यस सर। ते डोगरी आंदी बोलने? हां आंदी है। डोगरी बोलदे हुंदे हो? आंदी है। किस डोगरी सुनाओ? की सुनाचा? कोई गीत सुनाओ। डोगरी गीत कोई डोगरी गीत आंदा है? कोई किस सुनाओ। की के आंदा? किस सुनाओ डोगरी दा? डोगरी बोलना आंदी और की आंदा? डोगरी बोलना आंदी। ए चुसमुसा कुसी आखदे? किसी चुसमुसा? शाबाश, कद तेरा मेरे जिन्ना होई गया। मते सारे लोग जेड़े इसलिए डोगरी नहीं बोलते भी, अस डोगरा प्रदेश दे रौह्ने वाले आ, डुग्गर देश आ साडा जम्मू, जेड़ा साडी मातृ भाषा डोगरी बोली जांदी है। तुहाडा की आखणा, डोगरी कीड़ी लोग बोलदे भी? लोग सोचते हैं ऐसे डोगरी बोलने से थोड़ा ऑड लगता है, इसीलिए। डोगरी च बोलना पुत्र क्या आखदे? थोड़ा मुझे डोगरी नहीं आती सही तरह। डोगरी जेड़ी साडी मातृ भाषा है, मातृ भाषा होंदी जेड़ी साडी मां सिखांदी है। आखदे हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है मां, और दादी थार दादी ते माऊ थार मां। बच्चो, तुस हर भाषा बोलो, अंग्रेजी बोलो, फ्रांसी बोलो, मराठी बोलो, जिन्नियां मर्जी भाषा बोलो, मगर अपनी डोगरी भाषा जेहड़ी जरूर बोलनी, की जे इहदे कन्ने साड़ी पंछान है। अस डोगरे जेहड़े आ, साड़ी इहे पंछान है। केह नाम तुंदा? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा, तुस भी डोगरे हो? हाँ जी, मारे डोगरी। ते कोई डोगरी दा गीत आउंदा? कोई किश आउंदा डोगरी दा? डोगरे गीत ते नहीं आउंदा, सुने नहीं कदे। कोई कविता, कोई कहानी, कोई किश? कोई नहीं, नहीं हाँ जी। ते लोग डोगरी की नहीं बोलदे भी? लोग दे सी शर्मांदी आ, डोगरी बोलदे। कैदी शर्मांदी? ओ पता नहीं, ओ सोचदे कि साडी मैं की आए, सोचना कि असीं निक्के बणी जाणा डोगरी, लेकिन इहनी कोई नहीं हुंदा। जिवें कि लोग शहर विच जांदे हिंदी बोलदे आ, ठीक है, कोई नहीं, अपनी भाषा जिहड़ा अपने बोलदा, अपने हक्क कन्नै बोलनी असीं, ओ कोई नहीं है कि डोगरी बोली सकदे असीं अपनी कन्नै। ये बड़ी गलत गल आखदे ना, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। सुनेआ नी तुसें? डोगरी जबान साडी किन्नी मिठी है। उदे है, ते फिर भी अस डोगरी नहीं बोलदे भी? अस वेस्टर्न कल्चर आले पासे जा दे आं, अस अंग्रेजी च हत्थ मारने आं, पर टुटी फुटी बोलने आं। हां जी, मगर असें अपनी डोगरी भाषा की जरूर बोलना चाहिदा। और कोई बच्चे? तू इतरा पुत्र, केह नाम तेरा? रोहित कुमार। रोहित, तुस कुत्थे रौंदे हो? देजक।
ਦੇਈ ਚੱਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਡੋਗਰੀ ਚ ਕਿਸ ਲੱਗ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਕਲੈਪ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਪਾੜੇ ਤੂੜਾਂ ਪਈਆਂ ਕੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਪਾੜੇ ਤੂੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੱਜੀ ਨਗੰਦ ਤਾਰੇ ਤੂੜਾਂ ਪਈਆਂ ਕੰਡੀਆਂ ਪਿਆ ਬਰਸਾਲਾ ਤਾਰੇ ਤੂੜਾਂ ਪਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁੱਡ ਬੋਏ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਗਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸ ਡਾਣਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਚੌਲ ਦਾਲ ਅੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਡਾਣਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਭਈ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਡੋਗਰੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੋਗਰੀ ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਮੀ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਡੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣੀ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧੇ ਪਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਡੋਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਖੁਆ ਕੇ ਕੌਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਹੈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡੈਡੀ ਹੈ ਦਾਦੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੀ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ 21 ਅਗਸਤ ਕੋ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਹੈ ਇਸੀ ਸਾਲ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਾ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੋ ਖੋ ਕਬੱਡੀ ਔਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਉਜਵਲ PET ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਿਕਾਲੇ ਹੋਏ ਥੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਧਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਮੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਆਤੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਸਮੇ ਜਬ ਬਰਸਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਪਾਣੀ ਡੰਪ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਵੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਲੀਏ ਬੰਦ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਨੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਨ ਦਿਨੋਂ ਨਿਕਲ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਘਾਸ ਕਾਫੀ ਚੜ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਇੱਕ ਹਮੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਲੈਵਲਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਾ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਹ ਹਮੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 11th 12th ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਕਮ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋ ਆਪਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 11th ਮੇ 127 ਬੱਚੇ ਹੈ ਔਰ 12th ਮੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਲਮੋਸਟ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾ ਮੈਂ PD ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗੋਮਨਾਸਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ 2009 ਸੇ 2012 ਤੱਕ ਅਬ ਮੈਂ 21 ਅਗਸਤ 2017 ਕੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਥਾ ਮੈਨੇ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈ 9th ਕਲਾਸ ਸੇ ਲੇਕਰ 12th ਤੱਕ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ 9th 10th ਸਿਰਫ ਬੋਆਇਜ਼ ਹੈ 11th 12th ਔਰ 12th ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਟੀਮਸ ਯਹਾਂ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਾਮਰਸ ਸਟੀਮ ਆਰਟਸ ਔਰ
मेडिकल नॉन मेडिकल। स्कूल में एक तो बिल्डिंग तो सफिशेंट है, ग्राउंड भी काफ़ी है हमारे पास, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल की यहाँ पर थोड़ी कमी है। पिछले टर्नओवर में मैंने एक हॉल कंस्ट्रक्ट किया था, तो एक्चुअली हॉल कंस्ट्रक्ट नहीं किया था मैंने, दो रूम्स थे, दोनों में से एक दीवार निकाल कर एक वही काम कर रहा था। लाइब्रेरी हमारी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको तो मार्क है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है, बच्चे बैठ सकते हैं वहाँ पर, अभी बुक्स हैं, सफिशेंट बुक्स हैं पढ़ने के लिए। ICT लैब अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, मॉडल स्कूल में सभी जगह पर ICT लैब वो बना रहे हैं, तो ICT लैब भी बन रही है हमारी, प्रोजेक्ट वगैरह वो इंस्टॉल करके अभी कंप्यूटर हमारे पास आने हैं, थोड़े दिन तक आ जाएंगे, तो उम्मीद है कि बिफोर मार्च से पहले पहले वो स्टार्ट हो जाएगी। दर्शकों, आज हमने मुलाकात की जहाँ के बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, जहाँ बहुत मज़ा आया, जहाँ गीत संगीत का भी माहौल रहा, बच्चों ने काफ़ी टैलेंट अपना बखान किया, और हमें उम्मीद है कि आज का ये जो कार्यक्रम हमारा है ये सबके लिए अच्छा रहेगा और अच्छा था। और अगले अंक के लिए फिर मिलेंगे हम किसी और स्कूल में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।